प्रणाली की सबसे पहली पसंद स्वर्णाभूषण। और जब स्वर्णाभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। खंडवा जिले की पदम नगर पुलिस ने 4 देशी पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम रविंद्र पिता नालदा सिलोदे है, जो निवासी ग्राम सोलना पोस्ट बड़गांव गोगावा जिला खरगोन का रहने वाला है, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम गोलजोशी से रोशनाई की ओर से एक युवक बाइक से अवैध हथियार ले जा रहा है। मुखबिर की सूचना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को रोशनी गांव के पास घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 4 देशी पिस्टल भी जब्त की है। आरोपी किसको हथियार सप्लाई कर रहा था, यह पुलिस अभी जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। थाना पदम नगर को बहुत ही विश्वसनीय सूचना मिली थी कि खरगोन जिले के गोगावा थाना क्षेत्र का रहने वाला रविंद्र पिता नांदला सिसोदे बिना नंबर की मोटरसाइकिल से कुछ अवैध हथियार लेकर के आ रहा है और कहीं सप्लाई करने के लिए जा रहा है। सूचना पर जो मार्ग बताया गया था रोशनाई के पास में, वहां पर जाकर गोलजोशी और रोशनाई के बीच में जो बताया गया था, वहां पर जाकर के इन्होंने अपना एम्बुश लगाया और जब वो उस गुलिये का और बिना नंबर की जब गाड़ी आई तो उसे पकड़ा गया वेरा उसके पास में, जहां पर उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 4 देसी पिस्टल मिली, जिनके कोई लाइसेंस नहीं था उसके पास। पुलिस ने चारों हथियारों को और मोटरसाइकिल को 25 आयुध अधिनियम में जब्त किया और थाने पर उसी आयुध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीयन किया है, विवेचना की जा रही है। लोकसभा का बिजल भी बजना है, ऐसे में ये कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण है और ये कहां से लेकर आ रहा था, क्या कुछ कहां जा रहा है? अभी वर्तमान में अभी स्पष्ट जानकारी उसने नहीं दी है, पर फिर भी वो बताता है कि सिकलीगढ़ से गोगावा तरफ से लेकर के आया है। विस्तृत पूछताछ उससे की जा रही है, स्पष्ट रूप से किससे लेकर के आया है। चुनाव को लेकर के बहुत ही पुलिस सतर्क है और ऐसे में कोई भी इस तरह की गतिविधि को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी तारतम्य में ये कार्रवाई की गई है। ना ये कि टीम भी सर खरगोन बरवानी में इन क्षेत्रों में गई थी जहाँ के ये लोग कुछ लिंक जोड़ रहे हैं। सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ था कि NIA ने खरगोन और आसपास में अवैध हथियारों को सप्लाई करने वालों पर दबिश दी है और हम भी सूचना का आदान प्रदान करेंगे।